हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रिकी गर्ल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं न्यूट्रलाइट चंक सी बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी विथ राइस। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दें प्रेस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले दिखा देती हूँ कि आपको ये जो रेसिपी है इंस्टेंट सी, इसको बनाने के लिए किस किस इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत होगी। तो देखिए हम शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे लिया है वो लिया है राई। ये देखिए ब्लैक और येलो राई है। आप चाहें तो कोई भी राई यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिया है नमक, मिर्च और धनिया। इसमें हम हल्दी को ऐड नहीं करेंगे। यहाँ मैंने दो प्याज को कट किया है और तीन से चार मैंने हरी मिर्च ली है। ये लिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा। उसके बाद ये मैंने लिया है आधा किलो चावल। ये जो चावल है हमारा डेली में हम यूज़ करते हैं वो है, तो आप डेली में खाने वाले चावल को यूज़ करके बहुत अच्छा सा न्यूट्रल चंक्स का रेसिपी बना सकती हैं। यहाँ मैंने न्यूट्रल चंक्स को थोड़ी देर के लिए भिगोने के लिए रख दिया ताकि अच्छे से गीली हो जाए, अंदर तक सॉफ्ट हो जाए। यहाँ लिया है मैंने इलायची, काली मिर्च और लौंग का पाउडर। तो बस इतने कम सामान में हम इस रेसिपी को तैयार करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले ऑयल को लिया है। आप चाहें तो रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसको प्री हीट कर लिया है ऑयल को। अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ। तो ये हमारा ऑयल है वो गर्म हो गया है। यहाँ मैं सबसे पहले डाल देती हूँ राई ताकि वो अच्छे से भून जाए। कच्ची रहेगी तो थोड़ा उसमें कड़वापन आएगा, इसलिए राई को हल्का सा भून लेते हैं। और राई भूनने के बाद हम डाल देंगे इसमें प्याज और हरी मिर्च। उसको भी हम हल्का सा पका लेंगे, सॉफ्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं आपको भूनना है प्याज को भी, ताकि जो उसका फ्लेवर है वो बना रहे। देखिए इस तरह से आपको इसको भून लेना है हल्का सा। अब ये पक रहा है और जब थोड़ा पक जाएगा उसके बाद इसमें हम अदर चीज़ें हैं वो ऐड कर देंगे। इसके बाद जब प्याज हल्की सी पक गई तो मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। देखिए इस तरह से। जो मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में लिया है, क्योंकि जो इसमें पूरा फ्लेवर जाने वाला है वो जाने वाला है ब्लैक पेपर और इलायची का। देखिए इसको थोड़ी मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड किया है। और फिर इसको आपको भून लेना है हल्का सा, ताकि आपकी जो काली मिर्च है, लौंग है और इलायची, उसका फ्लेवर थोड़ा कच्चा ना रहे। और यहाँ मैंने चंक्स को इसके अंदर डाल दिया है और उसको भी हल्का सा फ्राई कर लूँगी ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर चावल डालने के बाद मैं इसको ऊपर से डालती हूँ तो इसमें केवल पानी पानी वाला टेस्ट आएगा, इसमें जो मसाले हैं वो अंदर तक नहीं जा पाएंगे। तो ये देखिए हल्का सा इसको मैंने इस तरह से रोस्ट कर लिया है। और अब इसमें हम चावल डाल देंगे। तो चलिए चावल डाल दिया मैंने और मैंने कर लिया मिक्स। उसके सबसे बाद में मैं डालूंगी इसमें नमक और लाल मिर्च। तो आप देख रहे हैं कि मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में लाल मिर्च को लिया है। और हल्दी तो हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि हम इसको एक बहुत ही सिंपल से यूनिक वे में बनाना चाहते हैं। देखिए बिना हल्दी के भी ये येलो सा कलर दे रहा है। उसका रीज़न ये है कि मैं इसको ऑयल में पका रही हूँ। तो चलिए अब हम कर देते हैं प्रेशर कुकर को बंद। अब हमें केवल इसको एक सीटी तक ही पकाना है, दो सीटी नहीं लगानी है। अब देखिए जो राइस है वो बनके तैयार है और मैं इसको प्लेट में निकाल के आपको दिखा देती हूँ कि ये बनने के बाद कैसा लग रहा है। देखिए बड़ा ही सिंपल सा है ये हमारा चंक्स वाला जो राइस है, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी है और इसका जो फ्लेवर है बहुत ही लाइट है और बहुत ही यूनिक सा है। आप इसको किसी भी करी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बना है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। कैसी लगी आपको ये हमारी सिंपल सी डिश? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को करें प्रेस। बाय बाय।